डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, ये क्विक एनर्जी चेक रीडिंग है, तो देखते हैं आपको एनर्जी से रिलेटेड क्या अपडेट करना चाह रहे हैं एंजल्स। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या अपडेट देना चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, राइट, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होनी चाहिए, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए मैसेजेस प्रोवाइड करें। सो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली आपसे कुछ चीज़ें जो छिपी थी ना, वो आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, या फिर आपके सामने आने वाली हैं। किसी प्रकार की छिपी हुई चीज़ें, जो हिडन चीज़ें थी, वो उजागर होने वाली हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डेफिनेटली बॉटम की एनर्जी आई है। हाँ, सो किसी प्रकार का बचपना किसी की तरफ से किया गया, और वो बचपने वाला एक्ट आपके सामने आने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हैं, बहुत लाविश लाइफ है आपकी, इंडिपेंडेंट है, आपने अपनी क्षमताओं के दम पर अपने आप को प्रूव किया है। ठीक है, आप बहुत केपेबल पर्सन हैं, जो कोई भी है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एंड आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा सम्मानित पोजीशन है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन है समाज में। ठीक है, एंड हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, हर कोई देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति हैं। सो ओवरऑल आपको बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है, बहुत एडमायर किया जाता है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है ना, वो अपने दम पर हासिल किया है, एंड आपको बहुत एडमायर करते हैं लोग, बहुत इंस्पिरेशनल पर्सन हैं आप अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं, लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। अगर आप मेल हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, एक तो आप फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हैं, प्लस आप लुक वाइज भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत गो गेटर वाली एनर्जी है आपकी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, राइट, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना मुझे दिख रहा है कि कुछ जेलस लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत द्वेष है। ठीक है, किसी प्रकार का द्वेष उनके मन में पल रहा है। डेफिनेटली वो लोग कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके अगेंस्ट करते हैं, डार्क ईविल प्रैक्टिसेस आपके अगेंस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, ये लोग आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो लोग आपको टारगेट करते हैं गंदी ईविल प्रैक्टिसेस करके, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है सफल बनना, संपन्न बनना। ठीक है, ये सब आपकी डेस्टिनी है, ये आपका भाग्य है। हो सकता है आप अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, आप उनके प्यार को समझने में भूल कर रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि अब आप हील हो रहे हैं। ठीक है, आप हीलिंग प्रोसेस में है, एंड आप डेफिनेटली उस प्यार को पहचान पाएंगे जो वाकई में सच्चे मन से, सच्चे दिल से लोग आपसे करते हैं। आप देख रहे हैं आपके अराउंड डेफिनेटली एंजल्स रहते हैं। ठीक है,
एंजल्स आपको हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? आप एक हीलर हैं, यू आर अ हीलर एंड बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपके अंदर दया भाव बहुत है, आप बहुत एम्पैथेटिक हैं, ठीक है? हर किसी के लिए आपके मन में दया है और इसी वजह से आपको हमेशा टारगेट किया गया, लोगों ने आपको परेशान किया, आपकी एम्पथी, यू नो, आपकी दया भाव का फ़ायदा उठाया, राइट? तो मुझे दिख रहा है कि ये जो ऑफर्स हैं जो आपको दिए जा रहे थे, जो लव ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे थे, अब आप इसको पहचान पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है? आप ये चीज़ पहचान पाएंगे कौन आपसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, ठीक है? ये चीज़ें अब आप क्लियरली समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और कौन लोग आपके जीवन में, यू नो, आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, आपसे जेलस हैं, ठीक है? ऐसे लोगों को भी आप पहचान पाएंगे, यू नो, अच्छे और बुरे में आप भेद कर पाएंगे। अब हो सकता है आप पास्ट में, यू नो, अच्छे और बुरे में भेद नहीं समझ पा रहे थे, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, तो इस प्रकार की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना जिसने आपके अगेंस्ट ये सब किया है, ये फीमेल एनर्जी आ रही है, सो ये दो लोगों की एनर्जी आ रही है, मेल फीमेल दोनों हैं यहाँ पे। ये जो कुछ भी इवल प्रैक्टिस करी गई, ये बैकफायर हो चुकी है। फिलहाल वो पर्सन जिसने ये सब कुछ आपके साथ किया, अभी मुझे दिख रहा है कि उसकी लाइफ इम्बैलेंस है, ठीक है? वो बहुत इम्पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहा है, वो व्यक्ति, मुझे उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा व्याकुलता दिख रही है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत परेशान है, छटपटा रहा है, ठीक है? क्योंकि वो सारी चीज़ें बैकफायर होके उसी व्यक्ति के सर पर फेंकी गई हैं, ठीक है? वो अपने आप ही बैकफायर हो गई हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। गॉडेस एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, दिव्य शक्ति, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है, तो वो चीज़ आपकी आभा मंडल से टकरा कर एनीवेज बैकफायर हो जाती है, भले ही आप उसके लिए कुछ भी ना करें। आपको तो पता भी नहीं चलता कि वो कब नेगेटिव एनर्जी आई और कब चली गई, ठीक है? ये जो कोई भी है, ये डेफिनेटली ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये पर्सन चाहता है, ये जो इवल प्रैक्टिस करी गई है ना, ये पर्सन चाहता है कि आप गिव अप कर दो, ठीक है? आप अपने लव को गिव अप कर दो। आप दोनों, हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों म्यूचुअल लव में हैं, ठीक है? दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये चाहती है कि आप पूरी तरह से अपने प्यार को गिव अप कर दो, इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दो। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है ये लोग ट्राई करते हों, बट ये सब कुछ बैकफायर होके उनके पास ही गया है। एंड इस समय मुझे वो पर्सन बहुत एंग्शियस दिख रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा व्याकुल है वो पर्सन, बिकॉज उस पर्सन की सारी नेगेटिविटी उसके पास बैकफायर होकर गई है, एंड फिलहाल उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, ठीक है? उसकी खुद की लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है, क्योंकि उसने आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करने की कोशिश करी। तो किसी का भी बुरा मनाने पर पहले तो बुरा अपना ही होता है, राइट? तो किसी का भी गलत नहीं मनाना चाहिए, डेफिनेटली, ओके? सो ये चीज़ें आ रही हैं। आप जिस प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, अब आप उस प्यार को समझ पाएंगे, ओके? देयर इज अ चैनलाइज मैसेज, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है? आपका इंट्यूशन एक्टिवेट हो रहा है, हो सकता है आपके इंट्यूटिव पावर्स को अटैक किया गया, ठीक है? ताकि आप इंट्यूटिवली समझ ना पाए आपके पार्टनर के इंटेंशंस, या जो कोई भी लोग आपसे प्यार करते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आप उनके इंटेंशंस ना समझ पाओ, ठीक है? तो आपको एक प्रकार से अंधकार में ढकेलने की कोशिश करी, आपके इंट्यूशंस को अटैक किया गया, बिकॉज उस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, ठीक है? लेट्स सी, एंजल्स के डाउनलोड लेते हैं। योर कॉन्स्पिरेटर्स आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, बैड कर्मा दे अर्न इज चेजिंग देम। सो आपके जो हेटर्स हैं ना, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जिन्होंने आपके अगेंस्ट चाले चली, ठीक है, वो अभी अपने गंदे कर्मों का फल भोग रहे हैं, ठीक है? काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कार्ड दिया गया है, सी, तो हो सकता है किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया है, या ये कन्फर्मेशन है, डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है, ठीक है, कि आपके जीवन में कुछ तो उन्होंने गलत करने की कोशिश करी है, कुछ ईविल प्रैक्टिस, गंदी काली क्रिया वगैरह करने की कोशिश करी है, जो काट दी गई है, ठीक है, बैकफायर कर दी गई है वो चीज़, यूनिवर्स ने उस चीज़ को बैकफायर करा है। यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर,
या समथिंग अबाउट रॉन्ग पार्टनर, आपको ऐसा लगता था यू नो ये गंदी काली क्रिया जो करी गई इसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसका प्रभाव था आपके ऊपर इस वजह से. सी समथिंग अबाउट न्यू लव, नया प्यार, ठीक है, नयापन. तो अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में नया प्यार आ रहा है. अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में नयापन आ रहा है, ठीक है, आप दोनों एक नए सिरे से एक दूसरे से प्यार करेंगे. आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई लेकिन ये असंभव है. आपकी सिद्धियों को चुराने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है लेकिन ये सब कुछ असंभव है. इसी वजह से आपको ये समझ में नहीं आता था, यू नो इंट्यूशन आपका वीक किया गया, आपके इंट्यूशन को वीक करने की कोशिश करी गई. ठीक है, जो भी सिचुएशन है अगर आपने एक्चुअल में झेली है, आपको समझ में नहीं आता था कि कौन आपसे प्यार करता है, आपसे जो कोई सच्चा प्यार करता है उन पर आप यकीन नहीं कर पाते थे. तो ऐसी अगर सिचुएशन आपके साथ रही है, आपके इंट्यूशंस को अटैक किया गया है, आपको सही गलत में अंतर नहीं समझ में आ रहा था, अच्छे बुरे में अंतर नहीं समझ में आ रहा था, आपके इंट्यूशंस को वीक करने की कोशिश करी, तो आपको ये बोला जा रहा है अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखिए. अगर आप चाहें तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अपने पिलो के नीचे रखकर सो सकते हैं, ठीक है, आप उसको अपने बेड के आसपास रखकर सो सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है. अगर आप उसको धारण करते हैं तो भी अच्छा है. सोते टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके आसपास रहे. इन लॉज फैमिली, समथिंग अबाउट इन लॉज फैमिली, ठीक है, या जेलस हस्बैंड, आपके हस्बैंड जेलस हैं आपसे, ठीक है, किसी के हस्बैंड बहुत जेलस हैं उनसे. गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू, सो दिव्य शक्तियों की ऊर्जा आप में वास करती है, ठीक है, डिवाइन एनर्जी आप में वास करती है. ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी टू मोर, दो और है. बी केयरफुल, पीपल आर ट्राइंग टू टच यू, या सो लोग आपको टच करना चाहते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना है, ठीक है. डोंट लेट एनीबडी टच यू. आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, डिवाइन एनर्जी वास करती है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी किसी को अलाउ नहीं करना है कि आपको कोई टच कर सके. इन लव विद यू, आपसे कोई प्यार करता है, सो किसी को बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे. ओह माय गॉड, ओके. यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स, आपके बहुत सारे हेटर्स हैं लेकिन उससे भी 10 गुना ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो आपके हेटर्स भी बहुत हैं लेकिन आपसे प्यार करने वाले उससे 10 गुना ज़्यादा हैं, राइट. सो ये मैसेज आ रहा है, राइट. सो स्पिरिट्स मुझे कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं. वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इनसेपरेबल, या सो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग हैं लेकिन जब हम दोनों साथ होते हैं तो हम दोनों अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक है. आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को अलग कर पाना असंभव है. आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो आपके पार्टनर आप जब सो रहे होते हो तो आपको वो घंटों घंटों आपको सोते हुए देख सकते हैं, ठीक है. वन लास्ट मैसेज, एक और है कोई मैसेज उनकी तरफ से. यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, या सो उनको जब भी डर लगता है ना, आप उनके डर को दूर कर देते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे. वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप उनके डर को गायब कर देते हैं एकदम. आप बहुत साहसी होंगे, बहुत निडर हैं. ओके, यू कॉम्प्लीमेंट मी, आपके पार्टनर को आप हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और हो सकता है आप उनकी तारीफें करते हो. इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. मैं मिलती हूँ आपसे अगली नई रीडिंग में. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट.